आईपीएल 2024 के आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैच नंबर 26 के बारे में, जो कि एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम को 7:30 बजे। उससे पहले बात करते हैं हमारे लास्ट के मैचेस के बारे में। भाई इस आईपीएल के अंदर 100% एक्यूरेसी रही हमारी। कल आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी कि भाई सेकंड बैट आसानी से मैच को जीत जाएगी और भाई लंबी आपकी यस हो जाएगी, चाहे डबल से प्ले कर लेना। हुआ भी कुछ वैसा ही, लंबी भी यस हुई और साथ में ही सेकंड बैट जो कि मुंबई इंडियंस आई थी आसानी से उस टारगेट को चेस कर लिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस मैच के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, हर प्लेयर के बारे में बारीकी से आपको बताएंगे कि आज के मैच के अंदर कौन से प्लेयर्स है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है, कौन से वो बॉलर्स होंगे जो आज विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो भाई इनके देवदत्त पड़िक्कल बहुत ही खराब फॉर्म से चल रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, उनको घसीटने से कोई मतलब नहीं है। उनकी जगह पर दीपक हुड्डा को चांस दीजिए, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट ईयर उन्होंने और उससे पहले भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसको मौका देंगे तो शायद टीम और ज्यादा बैलेंस नजर आएगी। वही बात करते हैं यहाँ पे इनके एज ए इम्पैक्ट प्लेयर एम सिद्धार्थ या अमित होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स में काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ऑलराउंडर्स में ललित यादव या फिर कुलदीप में से किसी एक को चांस मिलेगा, ईशान शर्मा या फिर मुकेश में से किसी एक को चांस मिलेगा और नॉर्टेज और लिजार्ड विलियम्स में से किसी एक को चांस मिलेगा। वहीं बात करते हैं एज अ इंपैक्ट प्लेयर तो जैक, यश और कुशाग इनके एज अ इंपैक्ट प्लेयर होंगे। वहीं बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तीन मैचेस में दोनों टीमें आमने सामने रही और तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने। मतलब भाई दिल्ली कैपिटल्स को बिल्कुल ही हथियार डालने पड़े हैं लखनऊ सुपर जायंट के सामने। वही बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। लखनऊ की जो पिच है थोड़ी सी यार अलग पिच है, कभी यहाँ पर 190 बन जाते हैं तो कभी यहाँ पे 160 बनते हैं, तो यहाँ पर बॉलर्स के लिए ज्यादा एडवांटेजेस है। आज के मैच के अंदर बॉलर्स आपको ज्यादा पॉइंट देते हुए नजर आएंगे। वही बात करते हैं यहाँ पर जो 9 मैचेस खेले गए हैं इसमें पेसर्स को 69 विकेट मिली है और स्पिन बॉलर्स को 46 विकेट मिली है। वही बात करते हैं इस ग्राउंड के स्टैट्स के बारे में, डेविड वार्नर ने यहाँ पर 83 पॉइंट्स दिए थे, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर करते हैं डेविड वार्नर यहाँ पर। रवि बिश्नोई और नवीन उलग की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट इन दोनों ही चटकाए हैं, रवि बिश्नोई ने 10 विकेट और नवीन उलग ने 9 विकेट चटकाए हैं इस टाटा आईपीएल के अंदर। वही बात करते हैं इन फॉर्म प्लेयर्स के बारे में, टी स्टंप की बात करें दिल्ली कैपिटल्स का इकलौता ऐसा बैट्समैन है जो मिडल में खेलने आता है और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब भाई ऐसा लगता है कि पूरी टीम अलग पिच पर खेल रही है और ये बंदा अलग पिच पर खेल रहा है, आता है बड़े बड़े शॉट बड़े प्यार से मार लेता है। बात करते हैं इन्होंने 2 गेम के अंदर तो 50 प्लस रन स्कोर किया था और लास्ट की 4 इनिंग के अंदर 30 प्लस रन स्कोर किया था, तो ये कुछ इनके स्टैट्स है। निकोलस पूरन की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से सबसे ज्यादा रन इन्होंने स्कोर किया है और इन्होंने 15 छक्के मारे हैं इस टाटा आईपीएल के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं बैटर वर्सेस बॉलर्स की बैटल के बारे में। कुलदीप यादव और डिकॉक की बात करें तो भाई 2 बार आमने सामने रहे हैं और दोनों ही बार डिकॉक को आउट किया है कुलदीप यादव ने। वहीं बात करते हैं कुलदीप यादव और निकोलस पूरन 4 बार आउट किया है 8 मीटिंग्स के अंदर। नॉर्टेज वर्सेस डिकॉक की बात करें तो उन्हें 3 बार आउट किया है। वहीं बात करते हैं जे रिचर्डसन वर्सेस मार्कस स्टोनिस की तो उन्हें 2 बार आउट किया है। कुणाल पांड्या वर्सेस ऋषभ पंत की बात करें तो वो 3 बार आउट हुए हैं। तो ये तो बात हो गई उन बैटल्स की जो काफी हॉट फेवरेट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं की स्टैट्स के बारे में। 2022 से लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने होम ग्राउंड पर 18 मैचेस खेले हैं जिसमें से 9 मैचेस उन्होंने जीते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन्होंने अवे ग्राउंड पर 17 मैचेस खेले जिसमें से उन्होंने 6 मैचेस जीते हैं। यहां पे बात करें डिकॉक की तो उनके रिकॉर्ड ईशान शर्मा, नॉर्टेज, अक्षर पटेल और खलील अहमद के सामने 193 रन स्कोर किया है और 64.33 के एवरेज से। वही बात करते हैं ईशान शर्मा, नॉर्टेज और अक्षर पटेल डिकॉक को 1-1 बार आउट किए हैं और भाई खलील अहमद ने 1 बार भी आउट नहीं किया है। अब बात करते हैं आज की हमारी डेमो टीम के बारे में। मैं कहूंगा आज के मैच के अंदर आप विकेट कीपर तीनों को पिक करिएगा, ऋषभ पंत, डिकॉक और लोकेश राहुल, तीनों आप लोग के लिए सेफ चॉइस है और तीनों कुछ ना कुछ स्कोर कर सकते हैं आज के मैच के अंदर। वही बात करते हैं बैटर्स में तो डेविड वार्नर और टी स्टंप दोनों ही काफी अच्छी फॉर्म से चल रहे हैं। ऑलराउंडर्स में बात करें अक्षर पटेल, मार्कस स्टोनिस और कुणाल पांड्या। वही बात करते हैं बॉलिंग अटैक, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और मुकेश कुमार, आज के मैच के लिए ये आप लोग के लिए सेफ चॉइस है। बाकी बात करते हैं टॉस के बाद जो भी अपडेट होगा वो टेलीग्राम पर आप लोग को बता दिया जाएगा। बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की तो आज के मैच के अंदर सेकंड बैट मैच को जीत सकती है, बाकी टॉस के बाद जो भी विनर होगा वो टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर ही देंगे, तो उसके लिए आप लोग करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वही बात करते हैं आज का मैच लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, लगभग 160 के आसपास स्कोर देखने को आज के मैच में मिल सकता है जैसा कि एक और बार मिला था। वही बात करते हैं आज के मैच के अंदर बैट्समैन और बॉलर्स में से बॉलर्स आप लोगों को ज्यादा पॉइंट देते हुए नजर आएंगे।
सेकेंड बैट के जो ओपनर्स होंगे वो आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और जो फर्स्ट बैट होगी उसके मिडल्स के जो प्लेयर्स होंगे वो आज के मैच में अच्छे पॉइंट्स देते हुए नजर आएंगे। बाकी भाई फाइनल जो भी अपडेट होगा टॉस के बाद वो टेलीग्राम पर दिया जाएगा। तो करना क्या है, आप लोग को फटाफट जाइए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पर।